नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इंदौर जिले के राऊ में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत नगर परिषद राऊ के सहयोग से राऊ में लगभग 40 दिव्यांग जन के नाम आए थे, जिसमें पैरालिसिस से अपंग हुए, गूंगे, बहरे और सड़क दुर्घटना में अपंग हो गए ऐसे सभी दिव्यांग जनों के लिए राऊ के शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ताकि बीमारी से पीड़ित मरीजों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी सुविधाओं के साथ प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन मिलने लगी। नगर परिषद राऊ के अध्यक्ष पप्पी विजय पाटीदार के अथक प्रयास से राऊ SDM प्रतुल सिन्हा के निर्देश पर लाल हॉस्पिटल इंदौर के करीब 8 डॉक्टरों की टीम को राऊ भेजकर कैंप के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। कैंप में मुख्य रूप से अध्यक्ष पप्पी विजय पाटीदार, उपाध्यक्ष भारती राजेश मंडले, दीपक यादव, पार्षद जितेंद्र परमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत हमको निर्देश दिए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को हमको उनके घर तक पहुँच करके उनसे प्रमाण पत्र बनवाना है। इसके पहले हमने कम्युनिटी हॉल श्रमिक कॉलोनी में कैंप लगाया था, वहाँ पर 18 लोगों को प्रमाण पत्र फाइनल हो गए थे। उसके बाद में फिर जो है उनकी टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने हमको लाल अस्पताल बुलवाया था, जिसमें करीबन 40 लोगों को लेकर के जाना था। बाद में SDM साहब से और CMHO सर से बात हुई तो उन्होंने यहाँ पर रामनगर में व्यवस्था कर दी। इसलिए सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि रामनगर में सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बन रहे हैं। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले के हैं, तो इसलिए उनके नहीं बन पाए, और बाकी जितने लोग भी पात्र हैं उन सबके प्रमाण पत्र बनेंगे। आपका नाम? विजय पाटीदार, पूर्व पार्षद नगर परिषद।